बहुत शो बना रहा है. प्रमोशंस के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, काबिल के लिए किस तरह के प्रमोशंस आप कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, जो करते हैं ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है पिक्चर के लिए उतना ही कर रहे हैं. एक खुद के प्रोडक्शन में मूवी बनाना आपके संग जो एक्टर हैं आपकी, तो कितना डिफिकल्ट होता है आपको और आपके कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं देखा जाए तो? नहीं, जिम्मेदारी तो हर पिक्चर में कोई भी जो भी बनाता है जिम्मेदारी के साथ ही बनाता है. जो बिना बिना जिम्मेदारी के बनाता है उनका वो असर भी वैसे ही होता है. जैसे आप देखते हैं कि हफ्ते में पिक्चर चली जाती है तो हम मेहनत करते हैं 2-3 साल पिक्चर बनाने के लिए. जी, और जब पिक्चर बनाते हैं तो हम सब चीज़ रेडी रखते हैं, प्रिपेयर्ड. जी, एंड वी डोंट वेस्ट टाइम. 3-4 महीने पिक्चर बनाते हैं. सर, कुछ प्रिपरेशन है जो डिमोनिटाइजेशन के ऊपर भी बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं दिखा पा रही है? जैसे कि क्या है ये इमीडिएटली आया हुआ है. जी जी जी, थोड़ा टाइम लगे, वक्त लगे, और आस्ते आस्ते आप देख रहे हैं कि ठीक हो रहा है. तो आई फील दैट विद इन वन मंथ्स टाइम वेरी वेरी बिग अप. किस तरह का अप्रिसिएशन मिल रहा है बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से काबिल को लेकर, आपको आपके ट्रेलर को कि टीजर को? तो आप लोग ने खुद ही देखा है, मैं क्या बताऊँ. जी, कि एक ट्रेलर को 2-3 बार देख रहे हैं तो उससे पता चलता है कि वे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. और ट्रेलर ही एक ऐसी चीज़ होती है जी जो आपको बताती है कि टीचर आप देखने लायक है कि नहीं. सर, हम सुन रहे हैं कि अभी काबिल 2 के लिए ट्रेलर देख के ही सब बोल रहे हैं काबिल 2 कब आ रही है, तो क्या पहले मुझे काबिल का मुझे क्रिश 4 बनाने दो, उसके बाद काबिल. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर, ये बैठ लीजिए.